बिहार के छपरा के रहने वाले मिथिलेश ने अपने कारनामे से सबका ध्यान खींचा है। मिथिलेश बचपन से ही पायलट बनना चाहता था, लेकिन अपना ये सपना वो पूरा नहीं कर सका। लेकिन ख्वाब को पंख लगाने की हसरत को मिथिलेश ने दिल में हमेशा जिंदा रखा। मिथिलेश ने अपनी नैनो कार को ही हेलीकॉप्टर का रूप दे दिया है। उसने जुगाड़ और दिमाग से टाटा नैनो की काया ही पलट दी। नैनो कार को हेलीकॉप्टर की तरह दिखाने के लिए मिथिलेश ने कई प्रयोग किए। कार के ऊपर पंखा लगवाया और कार के आगे पीछे के हिस्से में भी बदलाव करवाया। मिथिलेश का मन इतने से नहीं भरा, उसने कार के अंदर का इंटीरियर भी चेंज करवा दिया। फिर कार में लाइटिंग का भी जबरदस्त इंतजाम किया गया है। कार के अंदर उन्होंने ऐसे बटन लगवाए हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर में होते हैं। गाड़ी भी बटन दबाकर चालू होती है और अपने आप पंखे भी चलने लगते हैं। उनके इस चॉपर की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अब मिथिलेश की इंजीनियरिंग स्किल की खूब तारीफ हो रही है। उनके जुगाड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। किसी की भी निगाह इस पर ठहर जाती है। भले ही ये कार हवा में उड़ नहीं सकती, लेकिन दिखने में तो ये हेलीकॉप्टर जैसे ही लगती है। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में उन सपनों को पूरा करने का जज्बा, हुनर और लगन होती है। मिथिलेश प्रसाद को कार में भी बैठकर ये एहसास होता है कि वो हेलीकॉप्टर में बैठा है। मिथिलेश बचपन से ही दिन रात ये ख्वाब देखता था कि वो अपने हाथों से हेलीकॉप्टर बनाए और उसमें बैठ हवा की सैर कर सके। इस सपने को पूरा करना बेहद मुश्किल था, इसलिए मिथिलेश ने अपने ख्वाबों में रंग भरने के लिए शॉर्टकट रास्ता निकाला और नैनो कार को ही हेलीकॉप्टर का शक्ल दे दिया। हेलीकॉप्टर शक्ल के दिखने वाली इस कार की बस एक ही कमी है कि ये उड़ नहीं सकती। भले ही ये कार हवा में उड़ नहीं सकती, लेकिन दिखने में हेलीकॉप्टर जैसी तो लगती ही है। अब मिथिलेश रात में जगमगाती इस कार की नुमाइश कर रहा है और लोग इसे देखने के लिए टूट पड़े हैं। 24 साल का मिथिलेश अपने भाइयों के साथ गुजरात में पाइप फिटिंग का काम करता था। पिछले 7 महीने से वो अपने गांव में ही रहकर कार की शक्ल बनाने में लगा था। इस अनोखे कार में लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। रात के अंधेरे में लाइटिंग इस कार की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। मिथिलेश ने बताया कि हेलीकॉप्टर बनाने के आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए एक पुरानी नैनो कार खरीदी थी। फिर उसकी बॉडी में बदलाव किया गया। कैची लुक देने के लिए मिथिलेश ने पानी की तरह पैसा बहाया है। नैनो कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल देने में 7 लाख रुपए का खर्च आया है। ये मेरा मकसद था कि मैं उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाऊं। मेरे बचपन से ही मकसद था कि मैं अपने हाथों से हेलीकॉप्टर बनाकर और उस पर मैं उड़ूं। तो फिर उतना तो मतलब मेरा बैकग्राउंड उतना मजबूत है नहीं कि मैं उस लायक कर सकूं, लेकिन मैं इसी हेलीकॉप्टर की छवि में इस गाड़ी को दिखाया हूँ। मिथिलेश अपने इस कारनामे से रातों रात मशहूर हो गया है। सभी मिथिलेश के जज्बे की तारीफ कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से धर्मेंद्र रस्तोगी की रिपोर्ट।